अभिनेता गोविंदा के लाडले बेटे यशवर्धन आहूजा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छा जाते हैं, कभी अपने स्टाइलिश अंदाज की वजह से तो कभी अपने संस्कारों की वजह से। तो वहीं अक्सर यशवर्धन आहूजा अपने लव अफेयर को लेकर भी खूब सुर्खियों में छाए रहते हैं। तभी तो इनके संस्कार और इनके हैंडसम लुक पर आम लड़कियां इतनी फिदा हो गई हैं कि कई अभिनेत्रियां तो इन्हें डेट करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोविंदा के लाडले बेटे यशवर्धन आहूजा तो इंडस्ट्री की चार अभिनेत्री को डेट करना चाहते हैं। जी हाँ, आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियाँ हैं और किस वजह से उन्हें डेट करना चाहती हैं, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, जाह्नवी कपूर। अभिनेता गोविंदा के लाडले बेटे यशवर्धन आहूजा बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को डेट करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जाह्नवी कपूर की खूबसूरती के इतने ज़्यादा दीवाने हो गए हैं कि ये तो हर वक्त जाह्नवी कपूर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए थकते ही नहीं हैं। नंबर टू, श्रद्धा कपूर। यशवर्धन आहूजा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी डेट करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि यशवर्धन आहूजा को श्रद्धा कपूर की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी बेहद पसंद आती है, इसी वजह से यशवर्धन आहूजा श्रद्धा कपूर को डेट करना चाहते हैं। नंबर थ्री, अनन्या पांडे। यशवर्धन आहूजा जिस एक अभिनेत्री को डेट करना चाहते हैं वो और कोई नहीं बल्कि अभिनेत्री अनन्या पांडे हैं, जिन्हें यशवर्धन आहूजा डेट करना चाहते हैं। बता दें, यशवर्धन को अनन्या पांडे का स्वीट बिहेवियर और उनका काइंड हार्टेड दिल काफ़ी पसंद है, इसी वजह से यशवर्धन आहूजा अनन्या पांडे को डेट करना चाहते हैं। नंबर फोर, सुहाना खान। यशवर्धन आहूजा बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को भी डेट करना चाहते हैं, क्योंकि सुहाना खान काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सुहाना खान की पर्सनैलिटी तो इतनी दमदार है कि ये तो हर वक्त उनकी पर्सनैलिटी के गुण गाते रहते हैं। इसी वजह से यशवर्धन आहूजा सुहाना खान को डेट करना चाहते हैं, क्योंकि सुहाना खान पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। वेल दोस्तों, यशवर्धन आहूजा की जोड़ी इन चार अभिनेत्रियों में से किसके साथ अच्छी लगेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।